हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनारसी चिड़वा बनाना बताने जा रही हूँ, बनारसी पोहा जो बनारस में एज अ स्नैक्स खाया जाता है। इसके लिए देखिए, मैंने ये प्याज ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है और 2 से 3 हरी मिर्च है और ये 100 ग्राम के लगभग मटर है। आप जिस क्वान्टिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से डालिए। ये मैंने 150 ग्राम पोहे के लिए 100 ग्राम मटर लिया है। ये चिड़वा है, देखिए मैंने इसको साफ कर लिया है, इसको धोना नहीं, ऐसे ही सूखा साफ कर लेना है, जो भी इसमें कचरा हो उसको निकाल के और इसको ऐसे ही यूज़ करना है। और ये नमक और चाट मसाला आधा आधा, जितने आपका टेस्ट हो उस हिसाब से नमक और चाट मसाला डाल लीजिए। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है और इसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम जीरा डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको हमें ब्राउन करना है। प्याज और हरी मिर्च हम साथ में ही डाल देंगे, इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। आधा ये पक जाएगा, उसके बाद हम मटर डालेंगे, फिर इसको पकाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप शाम को एज अ स्नैक्स, जैसे आप नमकीन बिस्किट वगैरह खाते हैं, आप ये पोहा बना के खा सकते हैं। ड्राई पोहा होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसमें और भी मूंगफली वगैरह डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये इतने में ही, ये इतना सिंपल टेस्टी लगता है। अब मैंने इसमें मटर डाल दिया है, मटर को भी हम इसके साथ में ही भुनेंगे। ये बनारस में बहुत फेमस है ये पोहा। बनारस में आप किसी भी घर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इस तरह का पोहा मिलेगा। बनारस में और बिहार में भी इस तरह का चिड़वा बनाया जाता है मटर और प्याज डाल के। मटर डालने के बाद थोड़ा सा दूर ही रहिएगा, क्योंकि मटर फूटती है, फटफट के छटकती है। या तो आप एक ढक्कन रख दें, नहीं तो इसको लगातार चलाते रहिए और दूर रहिए, ताकि आपके ऊपर ना पड़े तेल के छींटे। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारी प्याज और मटर भुन गया। अब हम इसमें अपना पोहा डाल दे रहे हैं और इसको भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक हमारा जो चिड़वा है वो फूल ना जाए। फूल के मुरमुरे जैसा हो जाएगा, बिल्कुल मोटा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ऐसे अभी फ्लैट है। अब उसके बाद भुनने के बाद ये मोटा गोल सा हो जाएगा। जब तक आप इसको भूनेंगे, और हल्का भी हो जाएगा, लाइट वेट बिल्कुल हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे, ताकि हमारा जले नहीं ये और अच्छे से भून जाए। अब हमें इसको लगातार चलाते हुए भुनना है। ये देखिए, अब हमारा पोहा धीरे धीरे कलर चेंज करने लगा है, अब ये फूलने लगा है। हमें इसको लगातार ऐसे ही भूनते जाना है, चलाते जाना है, नहीं तो ये लग जाएगा। मैंने लोहे की कढ़ाई में इसको बनाया है। आप चाहें तो, आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप उसमें बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पोहा बिल्कुल तैयार हो गया है, भुन गया है। और इसको अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और उसके बाद भी हमें चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है, ताकि ये हमारा नीचे लग के जले नहीं। अब हम इसमें चाट मसाला और नमक डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे, गरम में ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड, ये देखिए बहुत ही जल्दी फटाफट बन जाता है ये स्नैक्स, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, बन चुका है, मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बनारसी चिड़वा या पोहा बन के तैयार है। और फ्रेंड, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें मटर थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम डाला है, आपकी अपनी चॉइस है। आप मटर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा तेल थोड़ा ज़्यादा डालिए, जैसे कि आप पोहा बनाने में डालते हैं, कम डालते हैं, लेकिन चिड़वा बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये ड्राई होता है, इसलिए इसको थोड़ा फूलने में तेल की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये बनारसी चिड़वा की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बना के कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।